हेलो एवरीवन, दिस इज संजीव तिवारी फ्रॉम जयोत्री एकेडमी भरतना। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑफ क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आज का मेरा टॉपिक है द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन का मतलब होता है रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ कॉपर और सिल्वर, इसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब कोई मेटल जैसे कि आयरन हो गया या सिल्वर हो गई, उस पे उसके मेटल ऑक्साइड की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। अगर आयरन की बात करें तो आयरन पे मेटल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है जो कि ब्राउनिश कलर में होती है। सिल्वर यानी जिसको हम लोग चांदी कहते हैं, उसमें ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। कॉपर पे ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप, द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स ऑन देयर सरफेस। जब किसी मेटल की सरफेस पर एयर, मॉइस्चर या किसी केमिकल का प्रभाव पड़ता है, तो वो मेटल एयर से, मॉइस्चर से, केमिकल से रिएक्शन कर लेता है धीरे धीरे, और उस पर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, वो उस मेटल के ऑक्साइड की होती है। इसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, अगर हम किसी एप्पल को काट के रख देते हैं तो वो एप्पल जो होता है कुछ देर में, कुछ समय लेता है, चंद मिनटों का समय लेता है, तो वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सराउंडिंग में जो एयर है या मॉइस्चर है, और एप्पल में एक्चुअल में आयरन पाया जाता है, तो वो आयरन उससे रिएक्शन कर लेता है, जिससे कि उस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन कह सकते हैं। आपने देखा होगा सिल्वर ऑर्नामेंट्स होते हैं, जैसे कि तोड़ियाँ, पायल जिसको हम लोग बोलते हैं, बिछिया बोलते हैं जिसको, तो वो एक टाइम पीरियड बाद वो ब्लैक हो जाते हैं। ये सब क्यों है? कोरोजन की वजह से है। आपने देखा होगा हम लोग पूजा के समय में तांबे का बर्तन का, तांबे का वो पात्र यूज़ करते हैं, तांबे का बाउल यानी कि लोटा भी हम लोग यूज़ करते हैं, ऑफरिंग द वाटर टू आवर गॉड सन। तो देखा होगा वो जो कॉपर का जो पात्र होता है, कॉपर का जो बर्तन होता है, वो ग्रीन लेयर उसमें डिपॉजिट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी की सारी कोरोजन को शो करती हैं। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्रैकर्स को हम लोग चलाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कलर यूज़ होता है उसमें, इवॉल्व होते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस भी उसमें होती हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेंसिडिटी। बॉटम में मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा, रेंसिडिटी। क्या है रेंसिडिटी? रेंसिडिटी में क्या होता है, एक्चुअल में जो फूड मटेरियल होते हैं जिनको हम लोग ऑयल या फैट में प्रिपेयर करते हैं, तो उनका स्लो ऑक्सीडेशन होता है। स्लो ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होता है, उनमें एक स्मेल आने लगती है, टेस्ट फाउल हो जाता है उनका, जब उनको हम लोग लेफ्ट कर देते हैं अनकवर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम तक, ऐसा देखा जाता है, तो वो जो फूड होता है खाने योग्य नहीं रहता है। यानी कि कह सकते हैं स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ अ फूड दैट इज प्रिपेयर्ड इन फैट और ऑयल सबस्टांसेस, इसको हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। कुछ प्रिकॉशंस भी हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जिसके सहायता से हम लोग रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि डीप फ्रीज कर देना फूड मटेरियल को। जैसे कि आपने देखा होगा अंकल चिप्स हम लोग खाते हैं या कुरकुरे खाते हैं, उसमें कुछ एयर प्रेजेंट रहती है, तो वो नाइट्रोजन एयर होती है,
जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, और जो फूड मटेरियल होता है उसको प्रिजर्व करता है, चिप्स जो होती है उसको प्रिजर्व करके रखता है, उसको फ्लश कर देते हैं हम लोग नाइट्रोजन से। रेफ्रिजरेटर है, टाइट कैंस में उसको पैक करके रखा जा सकता है, कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं, कुछ और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, दो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जिनको हम लोग जनरली फूड मटेरियल में ऐड करते हैं उनको रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। उसमें आपका आ जाता है, पहला है जैसे आपका BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यून। BHA और BHT ये दो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो इस वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।